मैं बाहर हूँ, कोई मेरे फोन को ना हाथ लगा ले, कोई मेरा फोन ना देख ले, कोई मेरे जस्ट ओपन योर एप्स एंड ब्लॉक ऑल ऑपोजिट जेंडर्स. हम तो सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, हम तो सिर्फ आयतें एक दूसरे को शेयर करते हैं. वो शख्स तो मुझे सारी के उठाता है. व्हाट इज दिस? अगर वो कोई आपको शख्स का सारी को उठाता है, दिस इज अ गार्बेज, ये सब बकवास है. हराम रिलेशंस, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन. इसने पूरी उम्मत को तबाह कर दिया हुआ है. एग्जैक्टली द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन इट इज. क्यों हमने इसको अपने सिरों पे सवार कर लिया हुआ? देखिए, जब बात हराम रिलेशंस की आती है तो यूथ ने इसको बहुत मोल्ड करके हलाल में कन्वर्ट कर दिया हुआ है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि उस दौर में हर हराम चीज़ को हलाल समझा जाएगा. और आज हमारे सामने है कि हम किस तरह से हराम रिलेशंस को मुख्तलिफ बहाने, हीले बहाने बनाकर हम कहते हैं कि ये हलाल है. जैसे कि हम कौन सा फिज़िकल हैं, हम तो सिर्फ पॉजिटिव बात करते हैं, हम तो सिर्फ आयतें एक दूसरे को शेयर करते हैं. अगर हराम को हलाल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी तब भी वो हराम ही रहेगा. और आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया हुआ है, हर दूसरा तीसरा बंदा इसमें इन्वॉल्व है. एग्जैक्टली ऐसा ही है. देखें, जब हम हराम चीज़ को ट्रेंड में ले आते हैं ना, तो फिर वो बढ़ती ही जाती है. जिस दौर में हम रह रहे हैं, ये फितनों का दौर है. जितनी जल्दी यहाँ पर नेकी बढ़ रही है, उतनी ही जल्दी गुमराही बढ़ रही है. और इस कदर लोग गुमराह हो गए हुए हैं कि ये उनकी नीड बन गई हुई है, कि वो समझते हैं ये तो हमारी नीड है, इसके बगैर तो हम मुकम्मल ही नहीं है, इसके बगैर हम रह ही नहीं सकेंगे. एग्जैक्टली, उनको लगता है कि हम सिक्योर फील कर रहे हैं किसी साथ फीलिंग शेयर करके, लेकिन वो सिक्योर नहीं है. जब आप एक शख्स को राज़ी करते हैं तो आप देखें ना, आप कितनों को नाराज़ कर रहे हैं. ना आप घर वालों से बोलते हैं, ना बहन भाई से बातचीत करते हैं, ना उसे फीलिंग शेयर करते हैं, और हमेशा फोन लॉक रहता है, ना उसको टच कर सकता है. कितना इनसिक्योरिटी है ना ये. बिल्कुल, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं कि हर वक्त आपको इस चीज़ के ख्याल में आप रहते हैं. Exactly. कि मैं बाहर हूँ, कोई मेरे फ़ोन को ना हाथ लगा ले. Exactly. कोई मेरा फ़ोन ना देख ले, कोई मेरे जो आप लोगों ने प्राइवेट चीज़ें रखी हुई हैं उनको ना कोई देख ले. तो ये देखे ना, ये कैसा रिलेशन है जिसने आपको एक डिप्रेशन का मरीज बना दिया हुआ है. आप हर टाइम एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर आप भूल ही गए हैं कि आपने ज़िंदगी भी गुजारनी है, आपके दूसरे रिलेशन्स भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली, आपके सिबलिंग्स हैं, आपने उनको भी टाइम देना है. हम बिल्कुल ये भूल चुके हैं. और वल्लाही ये इस कदर हमें गुमराही की दलदल में हम फंसते जा रहे हैं कि अब हमारा निकलना इतना मुश्किल हो गया है कि अब हमें जो है वो सुसाइड तक लोग आ गए हुए हैं, कि इसका एंड जो है वो सुसाइड हो जाती है या फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं और फिर इंसान सारी ज़िंदगी के लिए डिप्रेशन में चला जाता है. एग्जैक्टली, जब भी हम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे तो हमेशा इनसिक्योर ही रहेंगे. बिल्कुल, इस सब की एक जो मेजर वजह है वो है दीन से दूरी. एग्जैक्टली, कि आप दीन से दूर हैं. और दूसरा ये कि आप में खौफ खुदा नहीं है. आप ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है? जब आप तनहा होते हैं. कोई भी फैमिली में बैठ के इस तरह का काम नहीं करेगा. एग्जैक्टली, आप जब भी चैटिंग कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे हैं, आप ऑडियो कॉल पे हैं, आप सेपरेट होके ये चीज़ें करते हैं. और जब इंसान तन्हा होता है ना, और दो लोग जब बात कर रहे होते हैं, तो तीसरा उनके अंदर शैतान होता है. Exactly. ये शैतान है जो आपको गुमराह करता है, आपको इस चीज़ की दलीलें देता है, प्रूफ देता है. नहीं नहीं, तुम नहीं हलाल, तुम जो है वो हलाल की तरफ नहीं जाओ, तुम हराम नहीं कर रहे, ये हलाल है, ये वाला स्टेप हलाल है. तुम अगर उस स्टेप की तरफ जाओगे तुम्हें मुश्किलात पेश आएंगी, तुम्हें बहुत अपने आप को वेल सेट करना पड़ेगा. और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और नफ्स इंसान को मजबूर कर देता है. और वल्लाही इंसान खुद को कमज़ोर जब साबित करता है ना कि हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो, मैं तो हूँ ही कमज़ोर, मैं तो वीक हूँ, मेरे तो फैमिली इश्यूज हैं, और हाँ ये शॉर्टकट तरीका है, मैं इसको अपना लेता हूँ. एग्जैक्टली, लेकिन जब आपके घर वाले आपका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, आपकी बहन आपको फ़ोन यूज़ कर सकती है, आपका भाई आपको फ़ोन यूज़ कर सकता है, तो वो क्या रिलेशन है? वो बिल्कुल इनसिक्योरिटी आपके लिए. देखिए, आप ये सोचते हैं कि जो चीज़ हराम कर दी गई है उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अल्लाह द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, हमारी अर्थ मोस्ट बैलेंस्ड प्लैनेट था अपने सोलर सिस्टम में, ग्रेविटेशन फोर्स से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक हर एक चीज़ बैलेंस है. 1% अगर कुछ कमी होती तो लाइफ एग्जिस्ट ना करती. Exactly. वो ज़ात जिसको हर एक परसेंट, हर एक रेशियो का पता है, क्या उसको ये नहीं पता होगा आपके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं? हराम करते हैं, नहीं नहीं अल्लाह ताला ने हराम दिया है, लेकिन कोई इसमें नुकसान नहीं होगा. इसमें नुकसान है.
बिल्कुल, और इस सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान की डिज़ायर जो हैं वो इस रिश्ते से वो बिल्कुल जो है वो तंग आ जाता है, कि जब वो एक इंसान इस पूरे जो है वो स्टेप से, इस पूरे प्रोसेस से गुजरता है, ब्रेकअप हो जाता है उसका, और फिर बाद में उसको इस रिलेशन से नफरत ही हो जाती है, कि लोग शादियों से जो है वो खौफ ज़्यादा हो रहे हैं कि पता नहीं जिससे मेरी शादी हो रही है वो भी इस तरह उसके साथ भी हुआ होगा, मेरा शादी करने का फ़ायदा ही क्या, एंड ब्ला ब्ला इस तरह की सारी चीज़ें। और ये देखें ना, ये सबसे बड़ा नुकसान इंसान अपने ऊपर कर रहा है कि अपनी जान पर जुल्म करता है। एग्जैक्टली, और अपनी जान पर जुल्म करके उसको क्या नुकसान हो रहा है कि एक तो दुनिया उसकी बर्बाद हो रही है, दुनिया में उसका दिल नहीं लग रहा, दिल में सुकून नहीं है, और आखिरत उसकी ऑटोमेटिकली ख़राब हो रही है। देखिए, इस्लाम बहुत वाजिया दीन है, देयर इज नथिंग टू हाइड, हमें हर एक चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि वह घराने जहाँ पर भाई बहन इस मसले पर बात कर सकते हैं, बाप बेटी इस मसले पर बात कर सकते हैं, मियाँ बीवी मसलों पर बात कर सकते हैं, वही अच्छा घराना है जहाँ पर झिझक नहीं है, क्योंकि ये हमारे दीन की बातें हैं, ये इंसान की बेसिक्स हैं, और इंसान को इन हिस्सों से, ज़िंदगी के इन लम्हात से गुजरना है, तो फिर इसमें हमें झिझक क्यों महसूस होती है। यही वजह है कि ना तो स्कॉलर्स इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ना पेरेंट्स बच्चों से डिस्कस करते हैं। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो स्पेशली हमारी यूथ जो है वो जब ग्रो करती है तो पेरेंट्स उनसे बात ही नहीं करते। Exactly. पेरेंट्स डिस्कस ही नहीं करते कि बेटा अब तुम सोसाइटी में निकलोगे तो तुम्हें ये चीज़ें फेस करना Exactly. पड़ेगी, तो तुमने इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना कि पता नहीं ये क्या है माशरा, किस तरह से दुनिया है, आपने उस स्टेज से गुजरना है और उसको अच्छे से डील करना है, बजाय कि आप घबरा जाएं चीज़ों को देख कर। ये पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग आई थिंक द मेन स्टेप यहाँ पर जो अपना किरदार मिस करता है वो पेरेंट्स हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, लाइक बच्चे ग्रूमिंग उसका क्लास का बैक बेंचर कर रहा होता है, और जारी बात है वो जब बैक बेंचर बच्चे ग्रूमिंग करे ना तो वो उस जैसे बनेगा। जी, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि आपने ये करना है, आपकी लाइफ में ये मसाइल आएंगे। टाइम देखिए, टाइम तो है नहीं है पेरेंट्स के पास। पेरेंट्स समझते हैं कि बस हमने सुबह स्कूल भेज दिया बच्चों को, एकेडमी भेज दिया, एकेडमी से वापस आए उनको खाना दे दिया तीन टाइम का, उनको जो है वो बेसिक नीड्स जो है उनकी प्रोवाइड कर दी, बस हमारा काम तो ख़त्म। अब यहाँ पर जो है वो हमारे जितने फ़राइज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि ये गलत बात है। क्योंकि आप जब अपने बच्चे को खुद से दूर करके सारा टाइम तो वो स्कूल में स्पेंड कर रहा है, सारा टाइम वो एकेडमी में स्पेंड कर रहा है, और तो उसने फिर आपके साथ क्यों अटैच हो? जब हमें घर वालों से मोहब्बत और टाइम नहीं मिलता तो फिर हम ये मोहब्बतें बाहर ढूंढते हैं, और आई थिंक पेरेंटिंग इसमें बहुत इन्वॉल्व है। बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो जब औलाद को टाइम ही नहीं देंगे तो उससे क्या होगा कि औलाद जो है वो बाहर इन सारी चीज़ों को, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बाहर फिरेगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, ये नहीं कि हमने बस उनकी नीड्स पूरी कर दी हैं तो हमारा हक अदा हो गया। Exactly. ऐसे अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें कि बेटा आज आपका दिन कैसा गुजरा, Exactly. आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्या आज कोई अनोखी चीज़ तो नहीं हुई क्लास में, Exactly. उनसे डिस्कस करें। बच्चे जाके अपनी बातें जो है वो अकेडमी टीचर्स को बताएं। वल्लाही मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि स्टूडेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है कि हम कोई बात शेयर करना शुरू करते हैं, तो वो वहीं पे हमें स्टॉप कर देते हैं कि मुझे तो फलाना काम है, मुझे तो ये काम है, तो क्यों हमारे पास टाइम नहीं है? हमारी जो औलाद है वही हमारा बेहतरीन असासा होती है, कि उसने आपके सारी ज़िंदगी आपके लिए सदका जारिया भी बन सकती है और आपके लिए गुनाह जारिया भी बन सकती है। अब ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने जो अपना बेहतरीन और कीमती असासा है हमने उसको किस तरफ लेके जाना है। हमें चाहिए कि हम ये डिस्कस करें, बहन भाई आपस में डिस्कस करें। देखिए, जब आपने चाहिए, जब आप समझना चाहते हैं लड़की क्या है तो अपनी बहन अपनी माँ से दोस्ती करें, जब आप समझना चाहते हैं लड़का क्या है तो अपने भाई अपने बाप से दोस्ती करें। जब ये दोस्त नहीं बनते फिर दोस्तियाँ बाहर ढूंढी जाती हैं। बिल्कुल, असल में मसला ये है कि हमने इन चीज़ों को मकसद ज़िंदगी समझ लिए, ये सारे पार्ट ऑफ लाइफ हैं, इसको बहुत ज़्यादा इसको जो है वो ब्लंडर ना इसमें करें, इसको आपने बहुत ज़्यादा ऊंची चीज़ समझ लिया हुआ है। ये हर बंदे की ज़िंदगी का एक हिस्सा है जहाँ से हर इंसान को इसमें से गुजरना होता है। हमने उसको क्या कर लिया, हमने उसको पहले ही, वक्त से पहले ही उसके ऊपर हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, वक्त से पहले ही उन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि हमारी यूथ जो है वो फिर इन कामों की तरफ आ जाती है। पेरेंटिंग का इसका बहुत बड़ा रोल है। आई थिंक जब पेरेंट्स कहते हैं कि जो मेरा बच्चा करेगा ना उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, देखिए जब वो बचपन में था और छत पे होता है तो छत के किनारे चले जाते हैं तो आप उसको रोक लेते नहीं है? बिल्कुल रोकते हैं ना, क्यों? क्योंकि आप उसके जान की परवाह है। अब ये बात नहीं कि उसकी मर्जी है, जब आपको उसकी जान परवाह है तो आप उसको बचाना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप उसको आहरत से बचाना नहीं चाहते
उसे जिंदगी से तो बचाएं, उसकी जिंदगी बर्बाद मत करें। बिल्कुल, हम पेरेंट्स ने जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा लाइट लिया हुआ है कि कोई बात नहीं, समझ जाएगा, वक्त के साथ साथ बड़ा होगा समझ जाएगा। आजकल नहीं वो समझते, ये जनरेशन गैप्स जो है पेरेंट्स के दरमियान और चिल्ड्रंस के दरमियान, ये बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है वो ब्लंडर्स क्रिएट कर रहा है कि यूथ जो है स्पेशली उसके अंदर ये बातें हमें देखने को मिल रही हैं कि वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स समझते नहीं हैं आज जो हमारी डिफ़िकल्टीज हैं, आज जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली इमोशनली जो हैं वो, जिस तरह से हमारी यूथ जो है वो अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कुछ भी बात है बच्चों से डिस्कस करें, बच्चे को बताएं कि इट्स नॉट अ हैवी थिंग यू आर फेसिंग, ये सबकी ज़िंदगी में इस तरह के मराहिल आते हैं। पेरेंटिंग तो एक हम समझना चाहिए कि जनरेशन गैप होता है, लेकिन आपको अपने सिबलिंग से डिस्कस करना चाहिए, लाइक वी आर डिस्कसिंग, लाइक आपको भी चाहिए अपने बहन भाई से डिस्कस करें, आप उनको समझें, उनकी भी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है मूविंग टुवर्ड्स के और सो अगर दुरुस्त करना आप दो, आई थिंक स्टेप वन बहन भाई का रोल अदा हो गया, पेरेंट्स का रोल अदा हो गया। अब आप ऑन योर सोशल मीडिया जस्ट ओपन योर एप्स एंड ब्लॉक ऑल अपोजिट जेंडर्स, अपने अगर आप बॉय हैं तो अपनी फीमेल्स फ्रेंड को ब्लॉक करें, अगर आप गर्ल्स हैं तो आप अपने मेल फ्रेंड्स को ब्लॉक करें। आई थिंक द सेकेंड स्टेप यू शुड टेक, लाइक आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। बिल्कुल, हम जो है देखें ये जो मोहब्बत के मायने में आकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ना, उसकी यही वजह है कि देखें आजकल इतना ज़्यादा इसका ट्रेंड है ना कि अट्रैक्शन को मोहब्बत समझा जा रहा है। बिल्कुल, ये ट्रेंडिंग चीज़ है कि वो शख्स तो मुझे सहारी के लिए उठाता है, व्हाट इज दिस, अगर वो कोई आपको शख्स सहारी के लिए उठाता है इस सब गौर भेजिए, सब बकवास है। अगर कोई आप मुझे कोई सहारी के लिए उठाया तो क्या हलाल को हराम में हम बदल सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अलार्म आपको उठा रहा है तो वो क्या आपको उस शख्स को अपनाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल हम जो है ना यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमने जो है वो इन चीज़ों को इतना वैल्यू दे दिया हुआ है कि देखिए आपको अगर कोई पसंद है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर एल्डर्स, कि आप उनसे बात करें, उसके पेरेंट्स से बात करें और उसको एक हलाल रिलेशन में कन्वर्ट करें। हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझते नहीं हैं, हर दूसरे तीसरे बंदे से आपको प्यार हो रहा है, हर तीसरे बंदे से आपको प्यार हो रहा है, हर तीसरे को जो है वो मोहब्बत हो रही है। अब जिसको नहीं हो रही वो बेचारा परेशान है कि मुझे क्यों नहीं हो रही। अगर आपने बाकी जाना चाहते हैं दिस मैन और दिस गर्ल इज रियली इंटरेस्टेड, देन आस्क टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, अगर आप ये स्टेप पे पास होते हैं देन दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल, ये टाइम को वेस्ट है, लेकिन अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन मेक इट हलाल। बिल्कुल, ये जो हलाल नहीं ना बनाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो इतना स्टैमिना ही नहीं है कि वो इस चीज़ को फेस कर सकें। वो बिल्कुल टाइम पास करते हैं और बहाने बनाएंगे, हम अभी थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर करते करते वो लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा है, लाइक समवन इज फ्रेंड ऑफ हर एंड समवन इज फ्रेंड ऑफ हिम, और वो कह रहे हैं वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी लाइक टॉकर है एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड इन मैरिज और समथिंग एल्स। तो हमें चाहिए कि अगर वो इंटरेस्टेड है ना, दे मस्ट हैव गैरा, दे मस्ट हैव जेलसी अबाउट यू, और अगर मुझे नहीं वो ओके है, आई एम टॉकिंग यू टू समवन एल्स और ही इज ओके, तो आई थिंक ये आपके सूटेबल मैच नहीं है। हाँ, हम समझते हैं कि ही इज ओके, ही मस्ट हैव जेलसी। बिल्कुल, हम समझते हैं कि वो जो है उसने मुझे फ्री विल दी हुई है। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है हमारा कि जहाँ पे देखें आप एक तो बातें मोहब्बत की करें और वहाँ पर जो है वो उसको जेलसी भी फील ना हो, ऐसा ये मोहब्बत नहीं। फिर ये तो सिर्फ टाइम पास है जो आपको एक दूसरे का अपनी डिज़ायर्स पूरा करने के लिए आप यूज़ करते हैं और बहुत सी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। वल्लाह ही ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि हमारे माशरे में आज क्या हो रहा है। सारे फितने जो हैं वो आज हमारे माशरे में आ चुके हैं, और खुदारा इस बात पर गौर करें कि आप आज अगर इन चीज़ों से नहीं ना निकलेंगे तो बिल्कुल आप जो हैं वो इस कदर इन चीज़ों में धंसते चले जाएंगे कि फिर आप ना निकलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन सा हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक वी नीड टू डिस्कस इट राइट नाउ, अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स, जिससे मर्जी डिस्कस करें, लेकिन इस मसले को हल करते हैं, खत्म करें इस चीज़ को। हमें करना होगा, अभी करना है, अभी टाइम है, रमज़ान है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, मगफरत वाला महीना है, दुआएं कबूल हो रही है, शैतान जकर दिया गया है, हमें क्या चाहिए और? बिल्कुल, हमने बस स्टेप लेना है, हम इतने स्ट्रांग हैं। जो लोग समझते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इसमें इस कदर मैं, मेरी तो पिक्चर्स हैं, मेरी तो सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं तो अब नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो ये गलत है।
आप अल्लाह ताला पर भरोसा करके, अल्लाह ताला पर अपनी सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करके, तो इस स्टेप को आज ही डन करें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून होगा और आपकी ज़िंदगी सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये जितने आप लोगों के मसाइल हैं, इन सब से इंशाल्लाह आप बच जाएंगे। बहुत सारे नुकसान है इस चीज़ के, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, इस चीज़ के बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब भी आप इस चीज़ पर ना, आप बिल्कुल भी सेफ बच के नहीं आ सकते, ये बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए ट्राई टू मेक इट हलाल एवरी सिंगल डे। बिल्कुल, खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो दूसरों को भी ऐसा समझते हैं और यही मेंटेलिटी जो है हमारी सोसाइटी को ख़राब करती है कि रिलेशंस में खुद हैं और तीसरे बंदे को भी वैसा ही समझ रहे हैं, और यहाँ पर आकर हमारी यूथ जो है वो और लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेती है और इस तरह हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो ख़राब हो जाती है। आई थिंक पेरेंट्स नीड टू मेक मैरिज इजी फॉर देयर चिल्ड्रन। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि हम जो है हमारी डिज़ायर्स ही इतनी ऊंची हो गई हैं, ये ड्रामास, फिल्म्स, exactly. इस इंडस्ट्री ने इंसान को जो है वो इतना पागल कर दिया हुआ है कि जितनी देर तक हमारे पास 50 और 60 लैक्स नहीं होंगे, हम शादी कर ही नहीं सकते, हम निकाह कर ही नहीं सकते। और ये चीज़ें जो हैं वो इंसान की इन चीज़ों के अंदर बहुत मेजर किरदार अदा करती है exactly. कि जब आप निकाह को आम नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें तो फिर आपको देखने को मिलेंगी। दे हैव मनी फॉर द आईफोन्स, दे हैव मनी फॉर द ब्रांडेड कार्स, दे हैव द मनी फॉर द ब्रांडेड क्लोथ्स, but they don't have money for marriage because standard marriage ka bahut zyada high kar diya hai, like about to 50-60 lakhs. kya hai simple nikah and only bilma is valid in our deen. देखें, दुनिया में कोई भी काम जो है वो नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके अंदर इतना स्टैमिना रखा हुआ है कि आप आज चाहें तो पहाड़ों का सीना चीर सकते हैं। आप क्या क्या नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो ये एक मामूली चीज़ है आपके सामने, आज ही स्टेप लें, आज ही उठें और इसको जो है वो हलाल में कन्वर्ट।